गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण एग्जेक्टिव। ठीक है, विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या क्या नया सीखेंगे। बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द यानी कि जो अलग से कलरफुल हैं उनमें पीला, सुंदर, लाल, अच्छा, गरम और दो शब्द संज्ञा छाता, फूल, गाय, लड़का, दूध, तितली की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं और इनकी विशेषता ये बता रहे हैं, तो ये तो विशेषण हो गए और ये संज्ञा शब्द हो गए। देखिए मेरे पास पीला छाता है, तो छाता कैसा है? पीला, तो पीला इसकी विशेषता हो गई। बाग में सुंदर फूल लगे हैं, तो बाग में कैसे फूल लगे हैं? सुंदर, सुंदर इसकी विशेषता हो गई। लाल गाय पानी पी रही है, कैसी गाय पानी पी रही है? लाल। अजय अच्छा लड़का है, अजय कैसा लड़का है? अच्छा। मैंने गरम दूध पिया, मैंने कैसा दूध पिया? गरम। फूल पर दो तितलियां बैठी हैं, फूल पर कितनी तितलियां बैठी हैं? दो। तो ये इनकी विशेषता हो गई, किसकी? संज्ञा शब्दों की विशेषता। तो जैसे हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जैसे ये तो हो गए सर्वनाम और ये हो गई संज्ञा, ये हो गई संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम। तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा शब्द कौन से हैं, सर्वनाम कौन से हैं और विशेषण कौन से हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा कैसा है? सफ़ेद। तो ये विशेषण मतलब जो है विशेष्य क्या होते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, तो विशेषण तो हो गया सफ़ेद और ये किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। तो सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये तो इसका विशेषण हो गया और ये इसका विशेष्य हो गया। रंजन ने लाल टोपी पहनी है, रंजन तो क्या हो गया? रंजन तो यहाँ जैसे वो हो गया, ये विशेष वो संज्ञा हो गई और लाल इसकी विशेषता हो गई और टोपी इसका विशेष्य हो गया। हाथी बलवान जानवर है, हाथी क्या है? हाथी तो जैसे संज्ञा हो गई और बलवान इसका विशेषण हो गया और जानवर। ठीक है, तो देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में सफ़ेद, लाल और बलवान ये सब विशेषण हो गए। घोड़ा, टोपी और हाथी इसके विशेष्य हो गए। समझ में आया बच्चों कि घोड़ा, टोपी और हाथी ये विशेष्य हो गए। कैसे? कि इनकी विशेषता कैसे बताई जा रही है? सफ़ेद, लाल और बलवान, इस तरह से इनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, विशेषण और विशेष्य को समझाओ। रोहन मोटा है, मोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया और रोहन इसका विशेष्य हो गया। पेड़ पर दो चिड़िया हैं, दो तो विशेषण हो गया और चिड़िया इसकी विशेष्य हो गया। आम मीठे हैं, आम कैसे हैं? मीठे, तो मीठे तो विशेषण हो गया और आम इसका विशेष्य हो गया। कपड़े गीले हैं, गीले क्या हैं? कपड़े, तो गीला इसकी विशेषण और कपड़े हो गया विशेष्य।
कालिदास महान कवि थे, महान कवि विशेषण हो गया और कालिदास विशेष्य हो गया। 5 लीटर दूध है तो 5 लीटर विशेषण और दूध इसका विशेष्य हो गया। तो अब हम इनमें भी आपको फर्क करके दिखाएंगे कि मतलब इनका अंतर दिखाएंगे कि कौन से शब्द कौन से विशेषण में आते हैं। जैसे 5 लीटर है तो ये तो परिमाणवाचक में आएगा, और जैसे अच्छा बुरा मोटा छोटा ये सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे इस तरह से। अब देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए बच्चों इसमें संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये इसके भी 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं और इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक में इसके एक निश्चित संख्या, एक तो निश्चित परिमाप होता है और एक अनिश्चित होता है। ऐसे ही संख्या में एक निश्चित संख्या होती है और एक अनिश्चित संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुण का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो अच्छाई है उन्हीं को बताया जाए, गुण में उसकी सारी चीज़ें आएंगी, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, यानी कि गुण उसकी अच्छाई हो गई, दोष उसकी बुराई हो गई, रूप उसका काला गोरा हो गया, रंग उसका, मतलब इस तरह से ये इसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे लाल, पीला, अच्छा, बुरा, नया, पुराना, कोमल, कठोर, वीर और कायर, ये इसकी सारी चीज़ें क्या हो गई, गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, ये सब चीज़ें इनमें आ गई हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, मोहित अच्छा लड़का है, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और किसकी कौन अच्छा है, मोहित अच्छा है। शर्मा जी सज्जन व्यक्ति हैं, शर्मा जी कैसे व्यक्ति हैं, सज्जन, यानी कि इनकी विशेषता हो गई। ज्योति सुंदर लड़की है, ज्योति कैसी लड़की है, सुंदर, सुंदर इसकी विशेषता हो गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा, सज्जन और सुंदर शब्द मोहित, शर्मा जी और ज्योति के गुणों के विषय में बता रहे हैं, ये गुणवाचक विशेषण है। समझ में आया बच्चों कि अच्छा, सज्जन और सुंदर किसकी विशेषता बता रहे हैं, मोहित की, शर्मा जी की और ज्योति की। तो ये तो सब संज्ञा शब्द हो गए और इनकी विशेषता कौन बता रहे हैं, ये 3 शब्द। सेकंड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी कि माप तोल की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए। जो शब्द संज्ञा शब्दों की मात्रा यानी कि माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 किलो, थोड़ा, कुछ आदि। देखो 2 लीटर और 4 किलो तो हो गए निश्चित परिमाणवाचक में, और थोड़ा और कुछ हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक में। यहाँ आपको इनके भेद नहीं बताएंगे, आप अभी छोटी क्लास में हो तो आपको अभी इतना ही समझाएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण, ना तो इसके 2 भेद बताएंगे ना ही संख्यावाची के। तो आपको तो सिर्फ इतना ही समझना है कि मैं बाजार से 2 किलो मिठाई लाया, 2 किलो क्या हो गया, परिमाण, निश्चित परिमाण हो गया, यानी कि हम इसको नाप तोल सकते हैं। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा यानी अनिश्चित परिमाण कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है कि दूध में कुछ पड़ा है लेकिन हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा हुआ है। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2 किलो, थोड़ा और कुछ शब्द संज्ञा शब्दों की मात्रा यानी कि माप तोल बता रहे हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, परिमाणवाचक हो गया है, अब हमारा है नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बच्चे साइकिल चला रहे हैं, टोकरी में 3 आम हैं, तालाब में 6 बतके घूम तैर रही हैं,
तो ये इसकी निश्चित संख्या हो गई। अब हम जैसे कहेंगे कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं, टोकरी में कुछ आम रखे हुए हैं, तालाब में कुछ बतकें तैर रही हैं, तो वो हो जाता है इसकी अनिश्चित संख्यावाची। लेकिन यहाँ सिर्फ इसका निश्चित संख्यावाची का उदाहरण बताया है। तो आपको समझ में आया होगा कि निश्चित जो है गिने हुए हैं 2, 3 और 6। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2, 3 और 6 शब्द बच्चे, आम और बतख की संख्या बता रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जो शब्द संज्ञा से पहले, यानी कि किसी का नाम है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई जगह, कुछ भी है, तो उससे पहले जो शब्द लग रहे हैं वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हिरण का बच्चा है तो यह क्या है, सर्वनाम लग गया। यानी संकेतवाचक का एक नाम और होता है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सर्वनाम के सहित। तो यहाँ क्या, इनमें सर्वनाम लग गया है। यह हिरण का बच्चा है, यह यानी कि संकेत करते हुए। वे लोग मेला देखने जा रहे हैं, मेला यानी कि मतलब उसकी ओर संकेत करते हुए। वह बंदर बहुत शरारती है, यानी कि संकेत करते हुए हमने किसी चीज़ को समझाया है, किसी के बारे में बताया है, तो वो उसका संकेतवाचक विशेषण हो गया। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वे और वह शब्द हिरण, लोग और बंदर की विशेषता बता रहे हैं, ये संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको अपना ये चैप्टर समझ में आया होगा। विशेषण, संज्ञा या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं और इस किस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। और आप इस वीडियो को दोबारा और ध्यान से देखोगे, सुनोगे, चैप्टर को पढ़ोगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।